मौसम का हाल आपको बताएं कि लाहौर में आधा घंटा होने वाली बारिश शहरियों के लिए सहमत बन गई। नशेबी इलाके डूबने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सड़कें और गलियां पानी से भर चुकी हैं। आज लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लाहौर शहर के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। ये मनाजिर हैं लाहौर शहर के, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई। ये बारिश सिर्फ आधा घंटा रही, लेकिन इसके साथ साथ आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और नशेबी इलाके डूब चुके हैं। लाहौर के और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में आधा घंटा होने वाली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। नशेबी इलाके डूबने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सड़कें और गलियां पानी से भर चुकी हैं। और इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये मनाजिर लाहौर शहर के हैं, जहां पर आधा घंटा सिर्फ बारिश हुई, लेकिन आधे घंटे की बारिश ने ही इंतजामिया की कलई खोलकर सामने रख दी है और लाहौर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज सईद लोधी से। सईद लोधी, अपडेट कीजिएगा, लाहौर शहर में सिर्फ आधा घंटा बारिश हुई लेकिन सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जी, लाहौर के अंदर होने वाली बारिश ने जो है हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो है बारिश रोड पर मौजूद हैं। मेरे अकब के अंदर आप देख रहे होंगे कि पानी जो है बहुत ज़्यादा नदी नाले बन गए हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी है, जहाँ पे जो है वो खवातीन जो है मशहूर होकर रह गई हॉस्टल के अंदर और लोग घरों के अंदर मशहूर होकर रह गए। यहाँ पर इस इलाके के हवाले से जो है वो हमारी बात हुई है, लोगों का कहना है कि ये स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हलका है, जो कभी इस हलके के अंदर जो है वो लोगों की खबर गिरी के लिए नहीं आए। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे कि ये कितने अरसे से जो है ये मसाइल चले आ रहे हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 10 साल हो गए, ये पाइपलाइन ख़राब हुआ है, ये पाइपलाइन ठीक नहीं है। ये कौमी असम्बली याद सादक साहब का हलका है, जब दोबारा अब इलेक्शन के लिए वो आए हैं, उन्होंने कहा था जी ये सबसे पहले ये काम होगा। ये आज का नहीं है, ये 10 साल से ये रोना है। ये कल तक पानी नहीं निकलेगा, यहाँ पे बारिश पूरे लाहौर से पानी निकल जाता है, यहाँ से पानी नहीं निकलता। जैसा कि गौहर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है ये 10 साल से मसला चला आ रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली का हलका है, लेकिन वो आज तक जो है उनको जो है वो अपनी सरकारी मसरूफियात से फुर्सत नहीं है कि उनके हलके के अंदर क्या हो रहा है। लोगों ने मुतालबा किया है कि लोग अपने घरों के अंदर मशहूर हो गए, इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए बादशाह को और पंजाब हुकूमत को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी अच्छा सईद लोधी, साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात पर कुछ ऐसे ही मनाजर देखने को मिल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। क्या अदलिया ने भी इस हवाले से किसी को नहीं पूछा, आखिर क्या इंतजाम किएंगे जिला इंतजामिया की जानिब से? जी, इस वक्त जो है आप रजिस्ट्री की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के भी तालाब का मंजर पेश कर रही है, वहां पर जो है शदीद मुश्किलात का सामना, ऐसी सूरत हाल है कि वहां पे वकला जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें पंजाब हुकूमत अगर इंतजाम नहीं कर सकती तो हमें यहाँ पर जो है किश्तियों का इंतजाम कर दे ताकि हमें आमदोरफ्त के अंदर आसानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर जो है अदलिया ने आज नोटिस लिया है, लेकिन उसके ऊपर जो है कितना अमल होता है उसके मुताबिक जो है अभी एक दो रोज़ के अंदर पता चल जाएगा। जी, ये वीनस की मनाजिर नहीं है और के मनाजिर हैं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर के मनाजिर हैं। सईद लोधी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।